जय जय श्री राम। अब ममता दीदी आपसे जो मन पड़ता है उठा, रोक सकता है क्या? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी श्री राम का नाम अगर भारत में नहीं लेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में लेंगे? जय श्री राम बोलने को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज। मोदी के ममता पर तंज के बाद अमित शाह का भी हमला। शाह का चैलेंज, जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार करके दिखाओ। गाड़ी से उतरकर ममता ने जय श्री राम बोलने वालों को भगाया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ममता को ललकारते हुए कहा कि भगवान राम भारत की संस्कृति है, उनका नाम लेने से कैसे कोई रोक सकता है। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो राज्य में लोगों को जय श्री राम का उद्घोष नहीं करने दे रही हैं। शाह बोले कि यदि ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वो उन्हें जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार करके दिखाएं। शाह ने कहा कि जो बन पड़े उखाड़ लो। शाह ने कहा कि भगवान राम भारत की संस्कृति का हिस्सा है, क्या कोई उनका नाम लेने से किसी को रोक सकता है? मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि अगर श्री राम का नाम भारत में नहीं लिया जाएगा तो क्या ये पाकिस्तान में लिया जाएगा? ममता दीदी सुन ले, ये पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान नहीं। शाह ने फिर धमकी भरे अंदाज में कहा कि मैं विष्णुपुर से कोलकाता जा रहा हूं, यदि आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो, अभी अभी मैं 3 दिन से देख रहा हूं बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी को एतराज। मुझे बताओ घटल वालों, भारत के किसी भी कोने में भारतीय संस्कृति के प्रतीक जिनका जीवन जनता को प्रजा को समर्पित रहा, ऐसे राजा राम का नाम लेने से कोई रोक सकता है हमें? रोक सकता है क्या? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी श्री राम का नाम अगर भारत में नहीं लेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में लेंगे? आप लोग मेरे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो क्या? घटल वालों बोलो, ममता दीदी से डरते तो नहीं हो ना? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और मेरे साथ नारा लगाओ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब ममता दीदी आपसे जो मन पड़ता है उखाड़ लो। मैंने इस मंच से जय श्री राम का नारा लगाया है, आपसे जो दफाए लगती है वो लगा दो, मगर आप हमें हमारी संस्कृति से विमुख नहीं कर सकते। भारत का कण कण, भारत का जन जन, हमारे आराध्य देव, हमारे प्रजानुरंजन राजा जय श्री राम के नारे को बोलना चाहता है और आप हमें रोक नहीं सकते। ये मामला तब उठा जब कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ममता ने गाड़ी रोककर जय श्री राम का उद्घोष करने वालों को खदेड़ा था। ममता बनर्जी ने गाड़ी से उतरकर कहा था कि कहाँ भाग रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और कहा था तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ममता के इस बयान पर मोदी ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप ममता पर वार किया था और अब इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तो पूरी तैयारी के साथ सामने आए हैं। उन्होंने ममता को चैलेंज किया है कि वो जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, ममता सरकार में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं।